YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी विवेक भाटिया भी शामिल हुए। इस मौके पर स्थानीय स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने पेंटिंग और भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से नशे के लिए संदेश दिया। उन्होंने कला के माध्यम से नशे से होने वाली हानियों को बताया और लोगों से नशा नहीं करने की अपील की और साथ ही इसमें भाग भी लिया, तो लोगों ने नशा ना करने के लिए जागरूक किया, जबकि शिमला से आए कलाकारों ने नाटक का मंचन करके बच्चों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। तो आपको बता दें, शिमला में नशे के खिलाफ एक जोरदार मुहिम छेड़ी जा रही है और काफी समय से यहां पर कुछ कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, जहां से लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा सके। अब यहां पर भी एक बच्चों को संदेश दिया गया है, नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया है। नाटक का मंचन भी किया गया। दिल्ली से कलाकार पहुंचे थे जिन्होंने नाटक का मंचन किया और नाटक के मंचन के द्वारा किस प्रकार से नशे से दूर रहना चाहिए, नशे से क्या कुछ हानियां होती है और कैसे नशा आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, उसका संदेश बच्चों तक पहुंचाया है। तो एक अच्छी पहल हिमाचल कर रहा है, जहां पर काफी समय से वो कार्यक्रम, चाहे बाइक रैली के माध्यम से, मैराथन के माध्यम से वो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों में नशे के खिलाफ जागरूकता फैले।